अस्सलाम वालेकुम। आज के हम संगीताज लेक्चर में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस टेस्ट में ज़रूर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में बात करते हैं कि हार्ट का वेट कितना होता है। हमारे हार्ट का जो वेट होता है वो 300 से लेकर 350 ग्राम तक का होता है। और अगर हम हार्ट के साइज़ के मुतलक बात करें, जो हार्ट का साइज़ होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट होता है। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी भर। ये जैसे मुट्ठी मैंने बंद की हुई है, इतनी मुट्ठी भर इसका साइज़ होता है, ठीक है। और बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स की। जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो चार चैम्बर्स होते हैं, जिनके जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं दो, उसे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है। और जो नीचे वाले दो चैम्बर्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। अब इन चार चैम्बर्स में चार वॉल्स भी मौजूद होती हैं, ठीक है। फोर वाल्व्स मौजूद होती है। अब इन फोर वाल्व्स का काम क्या होता है? जब राइट आट्रियम से ब्लड जब दाखिल होता है, जो ख़राब खून होता है, यहाँ से हमेशा डर्टी जो ख़राब खून होता है वही राइट आट्रियम से गुज़रता है। जब यहाँ से ब्लड गुज़रता है, राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, तो बीच में एक वाल्व मौजूद होती है। उस वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस वाल्व का क्या काम होता है कि जब राइट आट्रियम से ख़राब खून जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ तो ये ट्राइकस्पिड जो वाल्व होती है वो उस ख़राब खून को वापस जाने नहीं देती, उसे आगे धकेलती है, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से आगे एक दूसरी वाल्व होती है जिसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व का क्या काम होता है? तो वो राइट वेंट्रिकल से जो ख़राब खून होता है, ब्लड होता है, वो पल्मोनरी वाल्व उसे लंग्स की तरफ ले जाती है। उस ख़राब खून को लंग्स की तरफ ले जाती है, फिर उस लंग्स में जो ख़राब खून होता है वो साफ़ होना शुरू हो जाता है। जब लंग्स में खून साफ़ हो जाता है तो यही वापस साफ़ खून होता है लेफ़्ट आट्रियम में जाता है, ठीक है। लेफ़्ट आट्रियम से खून लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, और बीच में एक वाल्व और तीसरी वाल्व होती है, एक तीसरी वाल्व होती है जिसे मिट्रल वाल्व कहा जाता है। मिट्रल वाल्व का काम क्या होता है? वो लेफ़्ट आट्रियम से जो साफ़ खून लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है तो उसे वापस जाने नहीं देता, उसे आगे धकेलता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथी वाल्व होती है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ से जो खून आता है साफ़ खून, वो उसे आगे लेकर जाती है पूरी बॉडी में। और जो पूरी बॉडी में खून लेकर जाती है वो सबसे बड़ी वाल्व होती है, उसे ओर्टिक वाल्व कहा जाता है। ओर्टिक वाल्व का काम क्या होता है? जब लेफ़्ट आट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ साफ़ खून आता है तो वहीं से ओर्टिक वाल्व होती है जो उस साफ़ ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाता है, पहुंचाता है। आई होप आज का जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हार्ट के बारे में इजी था और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकती हैं।